video is all about JNU entrance 2021 and CUCET. काफ़ी दिनों से ये चीज़ें YouTube पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि CUCET JNU कंडक्ट नहीं करेगा, JNU का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा. बहुत सारी बातें चल रही हैं. मैं आप लोगों को क्लियरिटी दे देती हूँ कि JNU के VC ने ये सारी चीज़ें ट्वीट में ही मेंशन कर दी थी एक लाइन में कि JNU इज़ प्रिपेयर्ड फॉर JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन. जो होने वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि वो CUCET में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. एज़ पर NTA जैसे ही ऑफिशियल नोटिस लेकर आ जाता है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है, तो JNU भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा. तो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर NTA की NTA की तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाए CUCET के रिगार्डिंग कि वो इस साल होने वाला है या नहीं होने वाला है. बट JNU के VC ने ये सारी चीज़ें मेंशन की है और ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया है कि दे विल बी नॉट पार्टिसिपेटिंग इन CUCET या फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे. ऐसा उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है. उन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि वो इस साल JNU एंट्रेंस 2021 कंडक्ट कराने का रेडी कर रहे हैं. इसके बाद जैसे ही NTA अगर रिलीज़ कर देता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वो उसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे CUCET एग्जामिनेशन को करवाने के लिए. आई होप दो बातें निकल कर आ रही हैं इस चीज़ में और आप दोनों बातों को समझ सकते हो. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. VC ऑफ JNU हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इफ़ NTA अनाउंस अबाउट CUCET Common Entrance Examination, then JNU will also be participating in that examination. अगर वो notification नहीं आती है NTA के द्वारा, then he will conduct their own entrance examination, जो कि बहुत पहले से conduct होते आ रहा है, जैसे होते जा रहा था. और BHU से related अभी तक कोई भी official notification नहीं आई है कि BHU entrance examination अपना करवाएगा. या इज ऑल्सो वेटिंग फॉर NTA टू अनाउंस ऑफिशियली कि NTA CUCET कंडक्ट कराएगा. सो दो तीन बातें हैं, आप लोग ध्यान से समझिए. बहुत ज़्यादा आप लोग मैच्योर हैं, खुद पे बिलीव करिए, प्रिपरेशंस करते रहिए. साइनिंग ऑफ, टाटा एवरीवन.